सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो आज अपन लोग बात करने वाले हैं ये एसडी स्क्रैम्बलर के बारे में। तो आप लोग भी अगर एक सेकेंडरी बाइक के पर्पज से बाइक ढूंढ रहे हो, एक कह सकते हो मोर फन टू राइड, तो ये बाइक ना आप इजीली चूज कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो जाता है। अपने को ABS मोड्स भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्लस प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। और लुक्स तो खैर है ही काफ़ी अलग आप लोगों को ना कह सकते हो, भीड़ से अलग हटके यहाँ पर आप लोगों को पूरा ओवरऑल एक ना लुक भी मिल जाता है। प्लस कलर ऑप्शन भी इसमें आप लोगों को काफ़ी अच्छे, यानी कि एक कास्ट कह सकते हो वाइड रेंज मिल जाता है कलर्स की भी चूज़ करने के लिए। टोटल 6 कलर ऑप्शन में बाइक अवेलेबल रहने वाली है। 3 रहने वाले हैं सिंगल टोन और 3 रहने वाले हैं ड्यूल टोन। ये अपना रहने वाला है मैट येलो, और मेरा पर्सनली ना काफ़ी फेवरेट कलर ये वाला रहने वाला है। वैसे कलर्स वाले पार्ट भी यहाँ पर आप लोगों को कोई इतने ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। साइड पैनल जो है ये मैट ब्लैक है सारे ही कलर ऑप्शन में, प्लस एक छोटा पार्ट अपना पीछे रियर मडगार्ड वाला जो है टैंक आ जाता है कलर में, और एक अपना जो बीक वाला पैटर्न है ये आ जाता है। इसके अलावा अपने पास अभी ना ऑरेंज कलर भी अवेलेबल है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है ग्लॉसी ऑरेंज। वही 3 पार्ट यहाँ पर भी रहने वाले हैं कलर के, और जो एक ओवरऑल चलने वाला है जैसे कि साइड पैनल हुआ, जो प्रॉपर एक मडगार्ड है, ये आप लोगों को मैट ब्लैक ही रहने वाला है सारे ही कलर ऑप्शन में। इस टाइप से रेसिंग स्ट्रिप भी यहाँ पर मिलने वाली है। तो बाइक के बारे में पूरी डिटेल में अपन लोग बात करने वाले हैं कि क्या कुछ ये ओवरऑल पैकेज रहने वाला है, ऑन रोड प्राइस की भी, एग्जॉस्ट साउंड भी अपन सुनने वाले हैं, और ओवरऑल डिटेल आप लोगों को बाइक के बारे में इस वाली वीडियो में मिलने वाली है। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो बाइक की कीज़ से। तो कुछ इस टाइप की आप लोगों को की रहने वाली है, ESD की पूरी ब्रांडिंग अपने को इसमें मिल जाती है, और ये अपना की का सेटअप रहने वाला है। इग्निशन कुछ इस टाइप से यहाँ पर ही अपना जो रेगुलर जगह पर ही रहने वाला है, इग्निशन ऑन करते हैं तो इस टाइप से आप लोगों को हेडलैम्प वाला एक सेटअप जो नीचे वाला पार्ट है ये ऑन रहने वाला है। तो ड्यूल पार्ट में अपने को हेडलैम्प मिलने वाला है, और हेडलैम्प अपना रहने वाला है, हेडलैम्प ही नहीं, हेडलैम्प प्लस अपना इंडिकेटर टेल लैम्प सब कुछ अपना LED में ही रहने वाला है। तो कह सकते हो फुली लाइटिंग सेटअप अपना LED में ही रहने वाला है। रियर टेल लैम्प इस टाइप का, और काफ़ी स्मार्ट इसका भी एक सेटअप आता है। स्पेशली इसका जो इंडिकेटर्स का डिज़ाइन है और साइज़ है ना, ये भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद आने वाला है। हज़ार्ड भी यहाँ पर अपने को मिलने वाला है, तो हज़ार्ड ऑन होने के बाद लुक बाइक का कुछ ऐसा है, तो काफ़ी अच्छा पूरा सेटअप इसका लगने वाला है आप लोगों को। फ्रंट से देखते हैं तो क्रोम का यूज़ देखो ज़्यादा नहीं है। हेडलैम्प पे अपने को यहाँ पर एक क्रोम मिल जाता है, प्लस फ्यूल का कैप जो है वो अपना क्रोम में रह जाता है, और जो एग्जॉस्ट है ये अपना रहने वाला है ब्रश क्रोम में, और जो स्पोक्स हैं वो तो रहने वाले ही है। उसके अलावा यहाँ पर भी आप लोगों को अपना क्रोम मिल जाता है, और MID सेटअप देखें ना तो MID यहाँ पर सेंटर में नहीं है, थोड़ा एक विंटेज फील देने के लिए ये एक साइड में आप लोगों को मिलने वाला है। तो उसको एसिमेट्रिक टाइप भी कह सकते हो, जैसा कि अपना रॉनिन में भी आता है, हंटर में भी आता है, तो वही इस टाइप का आप लोगों को एक डिज़ाइन यहाँ पर मिलने वाला है। अब अगर अपन बात करें ना, ये अपना स्क्रैम्बलर का एक पूरा जो एक डिज़ाइन थीम है, तो आप लोगों को यहाँ पर विंटेज लुक के साथ साथ एक पूरा मॉडर्न फील भी बाइक में आने वाला है, तो वो दोनों आप लोगों को यहाँ पर आने वाला है। और कह सकते हो भाई मैंने इस बाइक को खूब राइड किया हुआ है, तो काफ़ी फन टू राइड आप लोगों को ये वाला प्रोडक्ट लगने वाला है। काफ़ी अच्छा है, इसका जो इनिशियल पिकअप रहता है ना वो काफ़ी आप लोगों को इम्प्रेसिव लगने वाला है। स्टार्ट करें फ्रंट से, तो यहाँ पर अपनी नंबर प्लेट की प्लेसिंग आनी है, एक ये बीक वाला लुक अपना यहाँ जाता है, उसके साथ साथ जो प्रॉपर मडगार्ड है वो आप लोगों को यहाँ पर नीचे ही रहने वाला है। टेलीस्कोपिक अपने को फ्रंट सस्पेंशन से रहने वाला है, यहाँ पर अपने को रबर कवरिंग भी मिल जाती है, जिसकी वजह से भी बाइक का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आप लोगों को मिलने वाला है। रेडिएटर का सेटअप भी काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का आप लोगों को मिल जाता है, जिससे कि बाइक की जो कूलिंग है वो कह सकते हो मोर अफेक्टिव मिलने वाली हो रही है। इस टाइप से यहाँ पर गार्ड भी अपने को कंपनी से ही मिलने वाला है, यानी कि ऐसा नहीं है कि बाइक लेने के बाद कोई एक्स्ट्रा खर्चा आपका हो। उसके साथ साथ एक स्टील में बेस प्लेट भी अपने को यहाँ पर मिलने वाली है, तो ये भी आप लोगों को एक कह सकते हो कॉस्ट सेविंग चीज़ होने वाली है। कूलेंट का कैप अपना यहाँ है चेंज वगैरह करने के लिए। बाइब्री की ब्रेकिंग मिलने वाली है, फ्रंट भी रियर भी ड्यूल चैनल ABS के साथ। तो ABS में आप लोगों को यहाँ पर ना मोड्स भी मिलने वाले हैं, टोटल 3 मोड्स अपने को ABS के भी यहाँ पर मिलने वाले हैं, रेन रोड एंड ऑफ रोड। तो इस टाइप से 3 मोड्स अपने को ABS के मिलने वाले हैं, जिससे कि ABS का जो बिहेवियर है वो आप लोगों को चेंज लगने वाला है। काफ़ी अच्छे खासे साइज़ का यहाँ पर अपने को फ्रंट डिस्क मिल जाता है, 320mm का फ्रंट डिस्क है, स्पोक व्हील है, तो ये अपना रहने वाला है ट्यूब वाला टायर, और पैटर्न अपना कुछ इस टाइप का है, ब्लॉक पैटर्न वाले टायर मिलने वाले हैं। टायर की ग्रेडिंग जो है वो भी काफ़ी अच्छी है, MRF का ये टायर रहने वाला है, और ग्रेडिंग अगर अपन देखें तो ग्रेडिंग अपनी रहने वाली है 19 इंच का फ्रंट अपने को ये स्पोक व्हील रहने वाला है। रिम वाला पूरा सेटअप अपना मैट ब्लैक में है, प्लस स्पोक्स जो है वो क्रोम में जो रहते ही हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हो अच्छा खासा आप लोगों को एक पूरा इसका भी फील आने वाला है। अपोजिट साइड से भी देखें ना तो अपने को यहाँ पर ड्यूल एग्जॉस्ट का सेटअप मिलता है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही साइड थोड़ा सा बड़ा बड़ा लगता है पर अपोजिट साइड थोड़ा सा खाली लगता है, यहाँ पर वो चीज़ नहीं होने वाली। उसी की वजह से बाइक का जो रियर है वो भी काफ़ी इनहेंस होता है। रियर टायर का सेटअप देख लेते हैं, तो ब्लॉक पैटर्न वाला ही टायर ये भी रहने वाला है, वही MRF जैपर वाला ही सीरीज़ का टायर ये भी है, 140/70/17।
140 सेक्शन का रियर टायर रहने वाला है, 17 रियर है, 19 अपना था फ्रंट। वाइब्रिक की ब्रेकिंग अपने को रियर में भी मिलने वाली है। गैब्रियल का सस्पेंशन सेटअप अपने को रियर में मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ से आप लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हो रोड्स के कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसे ऑफ रोड वगैरह जो भी आप लोग बाइक का यूज़ करना है उसके अकॉर्डिंग सस्पेंशन सेटअप आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हो। 240mm का रियर में अपने को डिस्क मिलने वाला है जो कि काफ़ी अच्छा साइज रहता है। 320 फ्रंट है, 240 अपना रियर रहने वाला है। रियर में एक टायर अगर अपने को यहाँ पर मिल जाता है जिससे कि एक कह सकते हो ये वाला लुक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर ही अपनी नंबर प्लेट की प्लेसिंग भी आनी है। नंबर प्लेट वाला जो बल्ब है ये भी हैलोजन है। एक रिफ्लेक्टर अपना यहाँ पर आ जाता है। कलर वाला पार्ट एक अपना यहाँ है। हेडलैम्प पूरा हाउसिंग आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। ग्रे रेल एक अपने को जो रेगुलर रहता ही है, उसके साथ साथ दोनों ही साइड पर इस टाइप से ग्रे हैंडल भी यहाँ पर मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। सीट की बात करें तो सीट की कुशनिंग आप लोगों को काफ़ी सॉफ्ट मिलने वाली है। प्लस जो ये पैटर्न है इस बाइक के एक लुक के साथ थीम के साथ ना काफ़ी अच्छा इसका पैटर्न भी आ रहा है, उसकी वजह से इसकी जो पैडिंग है वो भी काफ़ी सॉफ्ट आप लोगों को फील होने वाली है। और एक चीज़ स्क्रैम्बलर बाइक है तो लोगों के दिमाग में आता है कि थोड़ा सा सीट हाइट के साथ इशू हो सकता है, पर भाई यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हाइट आप लोगों को यहाँ पर ना, अगर आपकी हाइट कम है तो भी आप इस बाइक को ईजिली प्रीफर कर सकते हो। 800mm की टोटल सीट हाइट आपने यहाँ पर मिलने वाली है जो कि भाई इनफ ही है मेरे अकॉर्डिंग, कोई कहीं से भी ज़्यादा नहीं है। साइड पैनल पे एक टाइप से स्क्रैम्बलर लेजेंडरी ESD का पूरा आप लोगों को ब्रांडिंग मिलने वाली है। बाकी ओवरऑल एक पूरा टेक्सचर देखें तो पूरा मैट ब्लैक में ही रहने वाला है। फुटपैक देख लेते हैं तो फुटपैक आप लोगों को ओपन टूथ वाला ही रहने वाला है। ब्रेक लीवर भी फुटपैक भी और स्प्लियन वाला कुछ इस टाइप का है, राइडर वाला प्रॉपर स्प्रिंग वाला इस टाइप से ही रहने वाला है। ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप मिलता है। हीट शील्ड आप लोगों को फ्रंट में भी मिलने वाली है, वही ब्रश क्रोम वाले एक फिनिशिंग में ही एक अपने को यहाँ पर रहती है, तो हीट शील्ड काफ़ी अच्छी है। ये चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव लगी भाई, छोटी छोटी चीज़ें हैं कुछ जो आप लोगों को काफ़ी पसंद आती है एक प्रोडक्ट को चूज़ करते हुए। तो यहाँ पर आप लोगों को एक पूरा इस टाइप से फुट प्लेसिंग के लिए काफ़ी अच्छे खासे स्पेस मिल जाता है। इंजन का टेक्सचर कुछ ऐसा है इस साइड से, और एक कह सकते हो जैसा कि एक कैसे अपना जो ESD की पहले बाइक आया करती थी जो कि विंटेज टाइप में, वही वाला शेप आप लोगों को अभी भी मिलने वाला है। एक अपना मेटल वाला पार्ट आप लोगों को यहाँ पर भी मिलता है प्रोटेक्शन के लिए। अपोजिट साइड से देख लेते हैं तो अपोजिट साइड से भी इंजन का टेक्सचर काफ़ी अच्छा आप लोगों को फील आने वाला है। वही ESD वाला पूरी ब्रांडिंग यहाँ पर भी आ जाती है। और एग्जॉस्ट के है जो आप लोगों को एग्जॉस्ट यहाँ से ही रहने वाला है। अपोजिट साइड पर विजिबल था पूरा बैंड पाइप, पर यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ एग्जॉस्ट वाला सेटअप ही विजिबल रहने वाला है। सिंगल हेड अपने को गियर लेवल मिलने वाला है 6-speed गियर बॉक्स के साथ। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ भी मिल जाता है, प्लस जो साइड स्टैंड का शेप है वो भी आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छा मिलने वाला है। सेंटर स्टैंड अवेलेबल नहीं है। चेन का पूरा सेटअप ओपन वाला ही रहने वाला है। एक साड़ी गार्ड अपने को आ जाता है छोटे साइज में जो कि इतना ऑड आप लोगों को नहीं लगने वाला। और एक कवरिंग अपने को यहाँ पर चेन पे भी रहने वाली है। टैंक देख लेते हैं तो टैंक पे एक अपने को लेजेंडरी ESD की पूरा स्टिकर मिल जाता है। मैट फिनिश में ही ये वाला कलर ऑप्शन होने वाला है। ESD की पूरी ब्रांडिंग आ जाती है, प्लस ट्रैक्शन पैड्स भी यहाँ पर अपने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे आप लोगों को लगने वाले हैं। ESD की ब्रांडिंग अपने को जो फ्यूल कैप है इस पर भी रहने वाली, और ये रहने वाला है अपना क्रोम में। इस टाइप से की होल पर कवरिंग भी मिल जाती है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो ये अपनी रहने वाली है 12.5 लीटर की। 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक अपने को यहाँ पर मिलने वाला है जो कि कह सकते हो इनफ आप लोगों को मिल रहा है। स्विचेस देख लेते हैं तो स्विचेस में एक 3-in-1 अपने को यहाँ पर स्विच मिल जाता है, हाई बीम लो बीम प्लस पास। ये अपने आ जाते हैं MID से रिलेटेड। MID का सेटअप भी अभी अपन चेकआउट करते हैं। ये अपना आ गया MID से रिलेटेड इंडिकेटर इस टाइप का। सिंगल बजर में काफ़ी लाउड अपने को हॉर्न भी मिल जाता है। राइट साइड पे देखें तो एक किल स्विच आ जाता है। ये अपना जाता है हजार्ड का स्विच, यहाँ से हजार्ड अपन ऑन ऑफ कर सकते हैं इस टाइप से। ये अपना जाता है स्टार्टर, तो स्टार्टअप भी अभी अपन चेकआउट करते हैं कि किस टाइप का पूरा रहने वाला है। ESD की फिर से एक बार ब्रांडिंग यहाँ पर भी मिलने वाली है, इस पे भी ESD और लोगो वगैरह पूरा मेटल में। बार एंड्स अपने को मिल जाते हैं, लीवर्स कुछ इस टाइप के हैं, कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट आप लोगों को नहीं मिलने वाला। पूरा ओवरऑल एक ब्लैक में ही रहने वाला है। और जो रियर व्यू मिरर्स हैं ये भी अपना ना इस टाइप से ब्लैक फिनिश में ही रहने वाले हैं। एक काफ़ी अच्छी चीज़ मिल जाती है अपने को, ये रहा भाई चार्जिंग पोर्ट। और एक नहीं है यहाँ पर USB और एक फास्ट चार्जिंग, तो दोनों आप लोगों को यहाँ पर पोर्ट मिल जाते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल है उसको आप लोग ना, काफ़ी अच्छा आप लोगों को हेल्पफुल रहेगा वाइल राइडिंग। एक हैंडल बार में काफ़ी अच्छी चीज़ आप लोगों को फील होगी, ये जो एक यहाँ पर आप लोग कह सकते हो बैरियर टाइप कह सकते हो उस टाइप को, तो ये भी मिल जाता है। इससे ना एक बाइक फॉल होता है तो हैंडल में बैंड आने का चांसेस कम हो जाता है। MID सेटअप देख लेते हैं, पहले इसका स्टार्टअप चेक करते हैं अपन। तो इस टाइप का अपना पूरा MID का स्टार्टअप रहने वाला है, तो ये पूरा वेलकम रहने वाला है। यहाँ पर ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स अपने को मिल जाती है। डिजिटल में ही टोटल स्पीड आ रही है, ट्रिप भी अभी शो हो रहा है, RPM मीटर भी यहाँ पर मिल जाता है। साइड स्टैंड डाउन है तो साइड स्टैंड की वार्निंग आ जाती है। क्लॉक आ रहा है डिजिटल में ही, फ्यूल गेज होने वाला है, और प्लस गियर इंडिकेटर भी अपने को यहाँ पर मिलने वाला है। इसके अलावा अगर अपन चेकआउट करें तो ये वाला जो अपना स्विच है M, इससे आप लोग देख सकते हो ये अपना आ गया ऑडोमीटर, ट्रिप A, ट्रिप B,
ऑडोमीटर, सिर्फ यही चीज़ रहने वाली है। तीन अपने को राइडिंग मोड्स नहीं ABS मोड्स अपने को यहाँ पर मिल जाते हैं, उसको भी आप लोग इसके अकॉर्डिंग यहीं से ही MID से ही चेंज कर सकते हो। तो ये हुआ अपना पूरा MID। बाकी ओवरऑल अगर अपन पैकेज की बात करें तो काफ़ी अच्छा आप लोगों को यहाँ पर पूरा फील आने वाला है। हेडलैम्प का लो, LED पूरा आप लोगों को लाइटिंग सेटअप मिल जाता है। टायर्स का सेटअप भी काफ़ी अच्छा है, 19 फ्रंट है, 17 रियर है, और प्लस कलर ऑप्शन। तो काफ़ी अच्छा ओवरऑल आप लोगों के लिए ये वाला पैकेज रहने वाला है। सब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशंस की कि क्या आप लोगों को यहाँ पर पावर आउटपुट रहने वाला है। तो 334 cc का लिक्विड कूल्ड अपने को यहाँ पर इंजन मिलने वाला है 6-speed गियरबॉक्स के साथ। पावर की बात करें तो 29.1 HP का पीक पावर और 28.2 Nm का टॉर्क मिलने वाला है। तो पावर फिगर जो है ना भाई, इस बाइक के काफ़ी इंप्रेसिव आप लोगों को फील होने वाले हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं है, ऑन पेपर ही सिर्फ ये आप लोगों को अच्छे खासे नंबर में है। जब आप ये इसको राइड करोगे तो आप लोगों को ये पूरा पूरा फील आने वाला है। माइलेज की बात करें तो कंपनी जो माइलेज क्लेम करती है वो रहने वाला है 30 के अराउंड, और इजीली ये बाइक आप लोगों को इतना देके जाएगी। 30-32 का ये बाइक इजीली आराम से निकाल के देगी। टॉप स्पीड जो कंपनी क्लेम करती है वो रहने वाली है 140 km/h की, तो उससे भी ऊपर ये बाइक आप लोगों को इजीली जाने वाली है, क्योंकि इस बाइक को मैंने खूब राइड किया है। और बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए भी पूरा मोटर व्लॉग इस बाइक का आने वाला है, राइड इंप्रेशन वाला, तो उसमें भी आप लोगों के और डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं भाई एक सबसे मेजर प्राइसिंग की, और उसके साथ साथ बाइक स्टार्ट करके भी देख लेते हैं कि किस टाइप का अपने को एग्जॉस्ट साउंड मिलने वाला है। तो अब करते हैं बाइक को स्टार्ट। ये वाला जो बाइक है ये अपना, जिसमें फ्यूल नहीं है, अपन बाइक स्टार्ट करेंगे ऑरेंज वाली। तो भाई बाइक स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा कोल्ड स्टार्ट है, इसको नॉर्मल होने देते हैं। उससे पहले हेडलैम्प ऑन होने के बाद लुक कुछ ऐसा है। ESD का लोगो यहाँ पर भी है, तो भाई ESD के लोगो भर भर के हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार कितने सारे उसमें आप लोगों को ESD की ब्रांडिंग मिलने वाली है। बाइक को कर लेते हैं थोड़ा सा रेव। तो ये वो भी अपना पूरा वीडियो कंप्लीट। अब बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, कि प्राइस आप लोगों को क्या ये बाइक ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है। तो ऑन रोड जयपुर आप लोगों को स्क्रैम्बलर कॉस्ट करने वाली है। कलर्स के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पर आप लोगों को प्राइस में डिफरेंस मिलने वाला है। सिंगल टोन वाले जो कलर हैं वो थोड़ा सा कम है, और जो ड्यूल टोन वाले हैं वो आप लोगों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करना पड़ेगा। प्राइस रेंज स्टार्ट होती है 261,000 रुपये से लेकर के 266,000 के अराउंड, 261 से लेकर 266। तो ये है इसका पूरा प्राइस लिस्ट कलर्स के अकॉर्डिंग। जो येलो वाला कलर है ये लगभग 261 अप्रॉक्स आप लोगों को ऑन रोड जयपुर कॉस्ट करने वाला है। तो ये हुआ भाई अपना पूरा कंप्लीट वीडियो। कैसा लगा आप लोगों को, सारी डिटेल आप लोगों को मिल चुकी है। अगर कुछ डाउट्स हो, कुछ एक लेने का प्लान कर रहे हो, कुछ कन्फ्यूजन है, तो वो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो क्या आप लोगों को क्वेश्चन है। तो करते हैं अपने ये वाला वीडियो एंड, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी के नेक्स्ट डे। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों का भी, और आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।